आज इंग्लिश लिटरेचर में कुछ ऐसे वर्ड हैं जो बहुत ही मैजिकल हैं उनके बारे में नॉलेज होना आपको बहुत ही आवश्यक है तो ये कौन कौन से वर्ड हैं और इनका क्या मीनिंग होता है ये इंग्लिश लैंग्वेज में क्या यूज आते हैं उनके बारे में बताएंगे तो फर्स्ट वर्ड है इसके अंदर होमोनिम्स वर्ड सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग आर कॉल्ड होमोनिम्स वर्ड सिमिलर इन साउंड बट डिफरेंट इन मीनिंग फॉर एग्जांपल अफेक्ट प्रभाव डालना और इफेक्ट प्रभाव तो इस तरह के वर्ड बहुत सारे मिलेंगे आपको इनके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पीछे पूछा गया था एस्टेट में इसी तरह का क्वेश्चन पूछा गया था नेक्स्ट है कॉन्ट्रोनियम्स टू वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन टू वर्ड्स विद द सेम स्पेलिंग स्पेलिंग सेम रहेगी बट डिफरेंट मीनिंग इन डिफरेंट सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल बोल्ट एक मीनिंग होता है सिक्योर और सेकेंड मीनिंग होता है इसका रन अवे तो इनको बोला जाता है कॉन्ट्रोनिम्स नेक्स्ट है हेट्रोनियम्स। दे आर वर्ड्स दैट आर स्पेल्ड द सेम बट डिफर इन मीनिंग लिखे सेम जाते हैं प्रोनाशिएशन इनकी अलग होती है और मीनिंग भी अलग होता है जैसे आर ए वी ई एन एक बार इसको बोलेंगे रे वेन ये होता है ए ब्लैक बर्ड और एक बोला जाता है इसको राव इन इसका मीनिंग होता है हंगरी नेक्स्ट है आपका इट इज ए वर्ड और सेंटेंस दैट रीड्स द सेम फॉरवर्ड एज इट इज इट डज बैकवर्ड यानी चाहे इस वर्ड को आगे से पढ़ो या पीछे से पढ़ो इसकी स्पेलिंग सेम होती है ये वर्ड भी हो सकता है और सेंटेंस भी हो सकता है फॉर एग्जाम्पल लेवल रडार इनको आगे से या पीछे से किसी भी तरह से पढ़िए सेम रहेगा इसी प्रकार से वाज इट ए कार और ए कैट आई अब इस सेंटेंस को अगर उल्टी तरफ से लिखा जाए तो ये भी सेम स्पेलिंग ही आएगी इसके अंदर नेक्स्ट है पैनग्राम्स ए पैनग्राम इज ए सेंटेंस दैट कंटेन्स ऑल लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट इसमें से दो सेंटेंस दिए हुए हैं जो आपकी इच्छा हो वो याद कर सकते हो द फाइव बॉक्सिंग विज जंप क्विकली इसमें भी 26 के 26 अल्फ़ाबेट हमारे आएंगे लेटर्स आएंगे द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स आवर ए लिटल लेजी डॉग नेक्स्ट है आपका पैरोनीम्स इन इंग्लिस वी फाइंड सेवरल वर्ड्स विच आर ड्राइड फ्रॉम द सेम रूट वर्ड दीज वर्ड्स डिफर स्लाइटली इन फॉर्म बट इन मैनी केसिज द मीनिंग डिफर्स ए लॉट फॉर एग्जाम्पल अल्टरनेट अल्टरनेट का मीनिंग होता है बाई ट्रन और अल्टरनेटिव चॉइस बिटवीन टू थिंग्स तो अल्टर अल्टर और अल्टर रूट वर्ड है दोनों के अंदर बट वर्ड है जो अल्टरनेट है उसका अलग से मीनिंग है और अल्टरनेटिव है जो उसका मीनिंग अलग है ये कुछ अलग अलग डिवाइस कहें ट्रम कहें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ओके थैंक यू